नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर दमोह नाका बाबू भाई की होटल के समीप रात को एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। वारदात बड़ी ही अजीब घटनाक्रम के बीच हुई। बताया जाता है कि मृतक एक सड़क दुर्घटना के बाद भाग रहा था, तभी दो अन्य युवकों से विवाद हो गया और जिसके बाद दोनों आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को लेकर एडिशनल एसपी रोहित काशवानी का कहना है कि मृतक बिट्टू मराठा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से दमोह नाका की तरफ जा रहा था कि उसी समय सामने से एक बाइक आ रही थी जिस पर पति पत्नी सवार थे, उससे टक्कर हो गई जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं। वही दंपति को घायल देख बिट्टू मराठा भागकर वहां पहुंच गया जहां पर दो आरोपी खड़े हुए थे। आनंद सोनकर एवं अनिकेत सोनकर का पहले से ही बिट्टू मराठा से विवाद चल रहा था। बिट्टू को देखकर दोनों गुस्से में आ गए और दोनों ही आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में बिट्टू मराठा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं आनंद फानंद में बिट्टू को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ ज्यादा खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लेकर आई है उनको पुलिस अपने साथ लेकर आई जो इनकी शंका और संशय की निराधार है। देख जिनसे विवाद हुआ उनको पुलिस ने ऑन द स्पॉट पकड़ा है, चाकू के साथ पकड़ा है। तो इन लोग के दो विवाद हैं। दो नाका में न्यू लाठिया बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के सामने ये घटना घटित हुई है जिसमें बंटी मराठा उर्फ प्रवीण राव और बिट्टू मराठा उर्फ विकास राव इनके साथ में चाकूबाजी घटना घटित हुई है। इस चाकूबाजी की घटना में बिट्टू मराठा को गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। विवाद का कारण अभी बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। फरियादी जो मृतक का साथी है उसका भी अभी इलाज मेट्रो हॉस्पिटल में है हो रहा है, उसके बाहर आने पर ही उसमें विवाद के कारण स्पष्ट हो सकेगा। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।